लाइटिंग वगैरह का काम, सिक्योरिटी कैमरे का काम यहाँ पर देखिए किया जा रहा है। इधर जो कि कैमरे लगाए गए हैं यहाँ पर, जो है इन्हीं का काम किया जा रहा है। इधर देखिए ये चीज़ें, गेट का निर्माण किया जा रहा है। इधर देखिए स्टील वाला गेट भी लगाया जाएगा। अब यहाँ से जो है श्रद्धालुओं की जगह जगह पर श्रद्धालुओं को रोका जाएगा, उसके बाद कुछ कुछ मात्रा में करके जो है रामलला का दर्शन करने के लिए जाएंगे। अगर हम दिखाते हैं तो इधर जो है कुछ काम हो रहे हैं। काम वो है जैसे कि जो नीचे टाइल्स जो पत्थर थे वो टूटे वगैरह हुए थे, जो टूट गए थे काम चलने के टाइम पर, क्या हो रहा है ये यहाँ पे, तो कपड़े वपड़े सुखा रहे हैं लोग, कैसे लेकर आए हैं, शायद सूखने के लिए लगा रहे हैं। जय श्री राम दोस्तों, मैं बलवंत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने और एक नए ब्लॉग में। दोस्तों आज वाले ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे अयोध्या का जो जन्मभूमि पथ बनाया जा रहा है उसका कितना अपडेट है, क्या क्या चीजें हैं, कितने श्रद्धालु आ रहे हैं, कैसे, सारा अपडेट पूरी इस वीडियो में देंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा अंत तक देखना। चलिए आपको दिखाना स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पीछे आप लोग देखिएगा तो ये जो प्रवेश द्वार दोनों बनाए जा रहे थे उसका लगभग काम कंप्लीट हो चुका है। ऊपरी जो है शिखर, उस शिखर का थोड़ा बहुत काम बचा हुआ हो रहा है, बाकी अंदर चल के आपको अंदर का पूरा अपडेट देते हैं किस तरीके से सारी चीजें, वीडियो को अंत तक देखना। चलिए दिखाते हैं दोस्तों, हम आ चुके हैं यहाँ से अंदर और यहाँ से अगर आप लोग व्यू देखिएगा तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे एक एक गेट बनाया जा रहा है जो कि मैंने पहले वाली वीडियोस में बताया था। साथ ही साथ इस मार्ग पे जो एक गेट बन रहा है वो सिक्योरिटी वाला जो रहता है कि सेंसर से चलने वाला गेट है, ये इधर बनाया जा रहा है, ठीक है। उधर जो है श्रद्धालु जाएंगे उस मार्ग से 63 के से नीचे होते हुए, और इधर से जो है व्हीकल वगैरह जाएंगे जो कि 4-व्हीलर हो गया, 2-चक्के हो गए, वो सारी चीज़ें इधर से जाएंगे। अगर यहाँ से आप लोग दिखेगा तो इस तरह से दिखे पूरा GRC वगैरह लगा के कितना अच्छा और प्यारा व्यू दे दिया गया है। साथ ही साथ अगर यहाँ से आप लोग नीचे देखिए तो नीचे यहाँ से 3 सेट वगैरह सारी चीज़ें लग चुकी हैं, तो यहाँ के पूरा अपडेट आपको पूरा देंगे। साथ ही साथ अगर आपको इधर हम दिखाते हैं तो इधर जो है कुछ काम हो रहे हैं। काम वो है जैसे कि जो नीचे टाइल्स जो पत्थर थे वो टूटे वगैरह हुए थे, जो टूट गए थे काम चलने के टाइम पे, जब ये सारी चीज़ें बन रही थी इधर, तो उनको जो है रिकवर किया जा रहा है। ये चीज़ें आप लोग देखेगा तो सारे यहाँ पे जो है लगा के उसको फिर से जो है रिकवर कर रहे हैं जिस तरीके से। बाकी चलिए आगे चलते हैं, आगे आपको पूरा अपडेट देंगे जन्मभूमि पथ का किस तरीके से सारे काम वगैरह हो जा रहे हैं, वो चीज़ों को पूरा डिटेल में दिखाएंगे, बस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चलिए दोस्तों यहाँ चलते हैं आगे और आगे आपको पूरा अपडेट देते हैं किस तरीके से सारे चीज़ हो रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिएगा जो ये इधर हेल्प सेंटर बनाया जा रहा है, अब जो है इसको भी हटा दिया जाएगा यहाँ से, इसको पीछे कर देंगे क्योंकि ये जो है मार्ग पे आ रहा है, इसको हटा दिया जाएगा। अभी यहाँ का अगर आप लोग व्यू देखिएगा तो इस तरीके से देखिए साफ़ सफाई वगैरह सारी चीज़ें जो इधर है पूरा कम्प्लीट हो चुकी हैं। इधर जो है वो चित्र लगाए जा रहे हैं जो कि ये पेंटिंग है, GRC वगैरह ये सारी चीज़ें इधर जो है लगाई जा रही है। देखिए इस तरीके से पूरा लग रहा है इस साइड पर भी, और इस साइड पर तो पूरा लग ही गया है। आगे तक पूरा आपको दिखाएंगे और कहाँ कहाँ पे लगा है किस तरीके से, वो चीज़ें दिखाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये सारी चीज़ें यहाँ पे की जा रही है। देखिए फिनिशिंग वगैरह का सारा काम किया जा रहा है इधर, और ऐसे ही चलते आपको पूरा आगे दिखाते हैं किस तरीके से और अपडेट हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें जितने आप यहाँ पे रेड स्टोन देख रहे हैं सभी को फिनिशिंग दे दिया जाएगा अच्छे तरीके से, ताकि इसमें जो है वो चमक आ सके। देखिए यहाँ पे इस तरीके से किया जाता है। और ये है सुग्रीव किला का इधर का व्यू। यहाँ पे देखिए मैंने आपको पहले बताया था जब यहाँ पे वाल पर्याप्त नहीं थे तो यहाँ पे जो है पीछे एंगल लगाया गया लोहे का, उसके ऊपर से ये GRC वगैरह फिक्स किए जा रहे हैं। इस तरीके से इसका व्यू किया जा रहा है देखिएगा इधर का। साथ ही साथ लगभग बोल सकते हो 95% काम कंप्लीट हो चुके हैं। साइड साइड दीवारों का जितना होना चाहिए था वो चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। बाकी आगे चलिए आपको दिखाते हैं और भी कुछ अपडेट जो किए जा रहे हैं वो चीज़ें आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, इधर भी देखिए ये सारी चीज़ें जो है इधर लग के रेडी हो चुकी हैं पूरा, और इधर भी लग चुकी हैं, यानी लगभग सारे काम कंप्लीट हैं। अब जो है वो गेट जो लगाए जा रहे थे मैंने पिछले वाली वीडियो में भी आपको बताया था वो लग रहे हैं, वो चीज़ें आपको दिखाते हैं चल के। बाकी अब साफ़ सफाई का जो है काम बचा हुआ है, वही चीज़ें की जा रही हैं। साफ़ सफाई बहुत जल्दी ये भी सारी चीज़ें हो जाएंगी कम्प्लीट, तो जो है काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ पर निखर के आने वाला है, वो दिखाई देगा। तो इधर चलते हैं, आपको इधर से दिखाते हैं थोड़ा सा। इधर देखिए ये सारे सामान वगैरह यहाँ पे रखे गए हैं जो कि इंजन का यूज़ किया जा रहा है कहीं कहीं पर। ये चीज़ें आप लोग देखिए इधर का, ये सारे सामान पार्ट्स ये चीज़ें रखी गई हैं, इनका जो है यूज़ हो रहा है। बाकी आगे देखिए लगा रहे हैं, वो चीज़ें आपको दिखाते हैं चल के। बाकी मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो है गेट का निर्माण किया जा रहा है इधर, देखिए स्टील वाला गेट भी लगाया जाएगा।
अब यहाँ से जो है श्रद्धालुओं की जगह जगह पर श्रद्धालुओं को रोका जाएगा, उसके बाद कुछ कुछ मात्रा में करके जो है रामलला का दर्शन करने के लिए जाएंगे, उनको भेजा जाएगा। यहाँ पर अगर आप लोग देखेगा ये चीज़ें दिखे, ये पूरा गेट है, देखिएगा इस तरीके से चक्के वगैरह लगे हैं, इसको खींचने पर ये पूरा खुलेगा, उसके बाद इसको इस तरीके से बंद कर देंगे। देखिए यहाँ पे रखा हुआ है इस तरीके से, इधर सारी चीज़ें सभी को जो है असेंबल किया जा रहा है अभी, क्योंकि जो ये अलग अलग ओपन होकर आए थे इनको असेंबल करके बनाया जा रहा है। उसके बाद एक गेट यहाँ पर बनेगा जो इधर से इतना पूरा बंद हो जाएगा, और आगे आपको दिखाएंगे वहाँ पर भी बनेगा। टोटल चार गेट इसी स्टील के टोटल चार गेट बनाए जा रहे हैं, जो कि आपको जो है श्रद्धालुओं को कम कम मात्रा में गेट के आगे भेजा जाएगा। उसके बाद आपका सिक्योरिटी चेकअप होगा, उसके बाद आप आगे जा पाओगे। यानी कुल मिला के अगर बोल सकते हो तो टोटल 5 से 6 जगहों पर श्रद्धालुओं को रोकने के बाद तब रामलला का दर्शन करने के लिए भेजा जाएगा। तो इस तरीके से अभी कभी जो कि ये थोड़ा बहुत डिटेल था जो मैं आपको दिखाया, किस तरीके से बताया, किस तरीके से जो है आपको दर्शन मिलेगा रामलला का। तो यहाँ पर देखिएगा इधर भी काम वगैरह किए जा रहे हैं, इधर देखिए थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको ऊपर से फिक्स कर रहे हैं। बाकी इधर का देखिएगा अब जो है लाइटिंग वगैरह का काम, सिक्योरिटी कैमरे का काम यहाँ पर देखिए किया जा रहा है, इधर जो कि कैमरे लगाए गए हैं यहाँ पर जो है इन्हीं का काम किया जा रहा है। इधर देखिए ये चीज़ें हम लोग देखिए सारे सामान रखे गए हैं, चीज़ों को फिक्स कर रहे हैं, और आगे भी दिखाइए ये देखिए साथ साथ जो है वो साफ़ सफाई भी किया जा रहा है। अब जो है साफ़ सफाई पूरा होगा, पूरा कम्प्लीट होगा। इधर आपको दिखाते हैं अगर हम तो इधर भी आप लोग देखिएगा तो ये चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर कुछ स्टोन रेड स्टोन रखे गए हैं और यहाँ पर जो है ये काम हो रहे हैं, देखिए ये चीज़ें फिक्स की जा रही हैं इधर का, ये सारी चीज़ें। अब जो यहाँ पे थोड़े बहुत सामान जो बचे हुए हैं उनको जो है उठा के ऊपर फिक्स कर दिया जाएगा, ये कम्प्लीट हो जाएगा। देखिए इस तरीके से ये चीज़ें हैं इधर का। बाकी चलिए आगे आपको चलिए दिखाते हैं किस तरीके से रामलला का दर्शन करने श्रद्धालु आ रहे हैं, और शायद अभी टाइमिंग हो चुकी है जिसके वजह से रोके हैं श्रद्धालु, मंदिर ओपन होने के बाद दर्शन होगा उनका। यहाँ चलिए दिखाते हैं आपको, ये जो पहले डिवाइडर लगाए गए थे ये कहीं कहीं पे जो टूट गए थे इस निर्माण के टाइम पे, उनको जो है फिर से फिक्स करने का काम किया जा रहा है। देखिए इस तरीके से उनको फिक्स किया जाएगा फिर से, और फिर से इस तरीके से डिवाइडर की जगहों पर ये चीज़ें रहेंगी। और यहाँ पर देखिए एक गेट का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा, एक गेट लगाया जाएगा जैसे यहाँ पर, ये इसके बीच से जो है एक गेट रहेगा जो कि यहाँ से इतना बंद होगा पूरा, यहाँ से इस तरीके से जैसे उस तरह से रखा हुआ है वही चीज़ें जो है पूरा यहाँ तक पूरा बंद की जाएंगी इस तरीके से आगे। अभी इधर दिखेगा तो ये जो पत्थर वगैरह लगाए गए इनको जो है फिनिशिंग दिया जा रहा है ताकि लोगों को चोट वगैरह ना लगे, वो चीज़ें देखिए यहाँ पर जो है फिनिश किया जा रहा है। और ये गेट रखा हुआ है, ये चीज़ें इन्हीं को जो है लगाया जाएगा श्रद्धालुओं को रोकने के लिए। बाकी अभी देखिए ये सारे सामान जो है वो लाके रखे गए हैं, सभी का यूज़ किया जाएगा, अभी जो रखे हैं जब इनका टाइम है यूज़ किया जाएगा। और अभी देखिए श्रद्धालुओं का भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे तो कपड़े वपड़े सुखा रहे हैं लोग, कैसे लेकर आए हैं, शायद सूखने के लिए लगा रहे हैं। ये जो श्रद्धालु आए हैं यहाँ पर बाहर से तो देखिए इस तरीके से अपने कपड़े वगैरह सुखा रहे हैं इधर का पूरा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा ये जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का ही इधर काम चल रहा है। यहाँ पर इधर आप लोग देखिएगा अब जो है स्टोन लगाने का काम किया जा रहा है जो कि राजस्थान से आते हैं, जो कि हर जगह पे यूज़ किया जा रहा है, राम मंदिर में भी और साथ ही साथ जन्मभूमि पथ पर भी। तो वही वाले जो स्टोन है वो यहाँ पर भी आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर लगाया जा रहा है। इस तरीके से भी पूरा लग के रेडी हो जाएगा तो इसका जो है व्यू बहुत ही अच्छा निखर के आने वाला है। इस तरीके से देखिए काम हो रहा है, इधर जो है लगाए जा रहे हैं, देखिए ये सारी चीज़ें इधर आप लोग दिखेगा। बाकी जो है अब यहाँ पर भी एक या हो सकेगा इसको हटाएंगे, अगर नहीं भी हटेगा क्योंकि देखिए सिक्योरिटी पर्पज़ से इधर भी ये सारी चीज़ें बनाई जा रहे हैं, और भी कुछ नए निर्माण हैं जो कि यहाँ पर भी किए जाएंगे, अभी क्लियर नहीं है वो चीज़ें। तो यहाँ से भी जो है श्रद्धालु जाएंगे इस तरीके से होते हुए, और ये चीज़ अगर हटा दी गई तो वहाँ तक भी जाएंगे। बाकी देखिए जैसे कि अपडेट किया जाता है वो चीज़ें आपको दिखाएंगे। बाकी आगे चलते हैं, आगे का आपको थोड़ा सा इधर का अपडेट देते हैं। तो इधर का इधर आप लोग देखिएगा ये चीज़ें, तो इधर कुछ काम चल रहे हैं इधर के, ये चीज़ें आप लोग देखिए। साथ ही साथ यहाँ पे एक एंड मतलब गेट को बनाया जाएगा जो कि लास्ट रहेगा गेट, जो चार बनाए जा रहे हैं श्रद्धालुओं को रोकने के लिए। तो यहाँ पे जो है उतने श्रद्धालु यहाँ पे लास्ट रुकेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे तो उनका सिक्योरिटी चेकअप होगा जो कि आगे अभी तक बनाया गया है, बाद में शायद वो भी हटा दिया जाए, सिक्योरिटी डायरेक्ट यहीं से चेकअप होने के बाद श्रद्धालुओं को लेकर जाएं। अभी देखिए कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है, मतलब क्या करने वाले हैं कैसे,
बाकी अपडेट तो करे ही जा रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये जो मैं आपको बता रहा था, इधर देखिए गेट का ही काम चल रहा है, इधर कर रहे हैं, देखिए ये चीज़ें यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं। यहाँ से जो है गेट को इस तरीके से बंद करेंगे पूरा, जो कि श्रद्धालुओं को रोका जाएगा। देखिए अभी इस तरीके से व्यू है इधर का, और साथ ही साथ यहाँ पे देखिएगा आप लोग अगर ध्यान से, जहाँ पर रामलला का जो मंदिर बनाया जा रहा है उसका वो थोड़ा सा फिगर आपको यहाँ से दिख रहा होगा, देखिए ये चीज़ें यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से है, और अभी जो है काम बहुत ही तेज़ी से चल रहा है, जिसकी वजह से आपको वर्कर्स बहुत दिख रहे होंगे यहाँ पे। इधर जो है इधर से भक्ति पथ मार्ग है, इधर से अगर आप लोग जाइएगा तो ये चीज़ें इधर से भक्ति पथ मार्ग बनाया जा रहा है यहाँ से, ये चीज़ें इसका भी अपडेट बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है, तो मिल जाएगा। अभी देखिए इस तरीके से हमारा राम मंदिर, साथ साथ भक्ति पथ मार्ग, और इधर का आप लोग अपडेट दिखेगा तो ये है जन्मभूमि पथ का पूरा, तो कुछ इस तरीके से है अभी का व्यू। तो ये था दोस्तों कुछ राम जन्मभूमि पथ का व्यू, जो कि मैंने पूरा डिटेल में आपको दिखाया। तो अगर आपको इसी तरीके से आगे भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखनी है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बाकी मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।